मैं तो रिपोर्टिंग के मकसद से आया था, लेकिन मुझे आदेश हुआ है कि मैं कुछ बात कहूं। और एक तो बात यही कि कुछ मित्र दाइश पे आकर के केवल भाषण और लंबी लंबी तकरीरें कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उसकी आवश्यकता नहीं है। ये जो विषय उठा है 22 सितंबर से, ये विषय बेहद गंभीर, बेहद चिंतनीय और बेहद शर्मसार करने वाला है। और मेरा तो निवेदन ये है कि इसमें सर्व समाज के लोग एकजुट होकर के, इकट्ठे होकर के, एक जाति की बात नहीं है। आज समाज के एक हिस्से के साथ बदतमीजी हुई, अपमान हुआ, और न केवल बदतमीजी और अपमान की बात नहीं है, कोई हमारे पूर्वज के मुंह पर हमारे सामने कालिक पोत दे और हम देखते रह जाएं, ये तो डूब मरने जैसा मामला है। लेकिन यहां हो क्या रहा है, खासतौर से मैं गौतम बुद्ध नगर जिले में कई दिनों से देख रहा हूं, सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, कुछ लोग जो एक विशेष प्रजाति के लोग हैं वो बार बार कहते हैं इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए साहब, राजनीति नहीं होनी चाहिए साहब। अरे महाराज, ये राजनीति शब्द राज की नीति से बना है, और राज की नीति जो राज चला रहे हैं उनकी नीति ये है कि अंग्रेजों की तरह आपस में लड़ाओ, इन्हें जाट और गुजरों को लड़ाओ। अभी लड़ाने का काम हो रहा था गाजीपुर बॉर्डर पे, कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा, अब ठाकुर और गुजरों को लड़ाओ। तो ये बहुत साजिश है, गंभीर साजिश है। ये जितना ऊपर से आसान दिखाई दे रहा है, जितनी साधारण आप लोगों को ये चीजें लग रही हैं, ये इतना साधारण है नहीं। योजनाबद्ध ढंग से है, पूरी प्लानिंग से है, और पूरा षड्यंत्र है उन जातियों के लिए, उन समाजों के लिए जो हमेशा सच को सच बोलने की ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। इनको लगता है कि आज एक समाज है गुजर समाज जो बड़ी बहादुरी के साथ सच को सच बोलने की बात कर रहा है, इनको लड़ा दो। और ना केवल लड़ा दो, कुछ बालक तैयार कर लो रात रात में, एक और कोई कांड करा दो और आपस में भी भिड़वा दो, गोत्रों में लड़वा दो। तो ये जो चीजें हैं इस पे आप सब लोगों को बहुत गंभीरता से, बहुत बारीकी से, और मैं फिर कह रहा हूं, जो भी मित्र ये कहे कि राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, भाई राज की नीति ने अन्याय किया है तो राज की नीति तो होगी, तो राजनीति होनी ही चाहिए और बाकायदा घोषणा करके होनी चाहिए। इनको यही भाषा समझ में आती है, और ये घोषणा होकर के होना चाहिए कि हमारे अपमान को वापस तो तुम नहीं लौटा पाओगे, लेकिन तुमसे अपराध हुआ है, घोर अपराध हुआ है, इस अपराध के लिए सार्वजनिक रूप से उसी कॉलेज में आकर के माफी मांग लो, नहीं तो उठा करके फेंक दिए जाओगे। इतिहास तो ये कहता है हजारों सालों से कि ऐसा कोई तुर्रम खां, बड़े से बड़ा बादशाह, बड़े से बड़ी सत्ताएं, बड़े से बड़े शासक जो समाजों से लड़े हैं, उनके अंश समाप्त हो गए, वंश समाप्त हो गया। खैर, मैं भी शायद भाषण की मुद्रा में चला गया, मेरा वो भाव नहीं था। मेरा निवेदन आज सब लोगों से, यदि आप लोग उचित समझें तो बाकी संघर्ष की योजना के साथ साथ ये जो आप लोगों ने समिति बनाई है, इस समिति में एक सर्व समाज सौहार्द उप समिति का भी गठन हो, उसमें हर समाज के प्रमुख लोगों को शामिल किया जाए, जहां भी कार्यक्रम हो सर्व समाज की बात हो, सभी जातियों की बात हो, क्योंकि आपस में हम सब लोग एक हैं। रात दिन उठते बैठते इकट्ठे खाते पीते, बड़े हुए हैं जवान हुए हैं। एक तो सर्व समाज की सौहार्द समिति का कोई प्रस्ताव यहां से पास हो जाए, दूसरे आज लंबा चिंतन मनन आप लोग करेंगे, जो भी फैसला होगा सब लोग मानेंगे, लेकिन कुछ ने कुछ जरूर ये तय करके उठिएगा कि अगली तारीख फलानी तारीख है, और वो तारीख आर पार की तारीख है। राष्ट्रीय स्तर की कोई पंचायत बुलाइए, बड़ी जनसभा बुलाइए, और घोषणा कीजिए कि बिना माफी मांगे काम चलेगा नहीं।